क्लास थर्ड के बच्चे ध्यान दें, यूनिट 5 चैप्टर का नाम है द बैलून मैन। बैलून मैन के ऊपर लिखा है, डज ए बैलून मैन विजिट यून मार्केट, क्या कोई गुब्बारा वाला आदमी तुम्हारे बाजार में आता है। लेट अस सी व्हाट द बैलून मैन ब्रिंग विथ हिम, चलो देखते हैं कि ये गुब्बारा वाला आदमी अपने साथ क्या क्या लाता है। ब्रिंग मींस लाना। तो इस पोएम को फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। द बैलून मैन ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज, वो हमेशा बाजार के दिन आता है। एंड होल्ड बैलून से लवली बंच, और गुब्बारों का सुंदर गुच्छा लिए होता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर या स्टेज, बाजार के ठीक चौराहे पर वह रुकता है, वहीं खड़ा हो जाता है। एंड नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच, उसे कभी अपने लंच को भी याद करने जैसा नहीं लगता है, और ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कभी वो लंच की भी चिंता करता है। दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन, उसके गुब्बारे लाल बैगनी और हरे हैं, नीले हैं। एंड व्हेन इट इज सनी डे हिज कार्ट एंड पीपल गेट बिटवीन, जब धूप वाला दिन होता है तो फिर लोगों के बीच गाड़ी के बीच वह रखता दिखता है। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तुम उसे दूर से ही चमकते हुए देख सकते हो। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद ए स्ट्रिंग, कुछ गुब्बारे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और सब गुब्बारे एक सुतली से बंधे हुए हैं, एक रस्सी से बंधे हुए हैं। एंड इफ देयर इज विंड एट ऑल दे टॉक एंड टॉक लाइक एनीथिंग, अगर हवा वहाँ से गुजरता है, यदि हवा का झोंका उस पर पड़ता है, तो वे किसी भी वस्तु की तरह जैसे ऊपर की तरफ भागते जाते हैं, जैसे कोई टंग तक खींचते रहते। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, शायद वह किसी दिन उन लोगों को उड़ा देगा या उन्हें जाने देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उसको आकाश में तैरते या मंडराते हुए दिख सकते हैं। सेलिंग तो तैरना या मंडराना। एंड स्टैंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, और फिर हम नीचे से जब आकाश में देखेंगे तो आकाश में वो कितने सुंदर और अच्छे दिखाई देंगे। तो यूनिट 5 का द बैलून मैन पोएम का हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख करके होमवर्क में पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे वीडियो में डाल दिया जाएगा।